हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, जिसमें से पेपर फर्स्ट पार्ट ए में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनमें पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग का संगठन, जिसे हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आपके टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के प्रकार या श्रेणियाँ, बिजली टावर, काम करने का समय, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के प्रकार या पोस्ट ऑफिस की श्रेणियाँ। पोस्ट ऑफिस सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर। अब देखेंगे कि इन तीनों प्रकार की पोस्ट ऑफिसों के प्रभारी अधिकारी कौन है। हेड ऑफिस के प्रभारी अधिकारी को हेड पोस्ट मास्टर कहा जाता है। सब ऑफिस के प्रभारी को सब पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के प्रभारी को ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है। अब देखेंगे बिजनेस आवर्स को, काम करने का समय या काम के घंटों को। प्रत्येक डाकघर और रेल डाक सेवा के कार्यालय में उन घंटों को जिनके दौरान जनता से लेन देन किया जाता है, और वह समय जब डाक का वितरण एवं प्रेषण होता है, स्पष्ट रूप से अधिसूचित कर दिया जाता है। जो डाकघर ग्रामीण डाक सेवा के कार्यभार में होते हैं, उनके कार्य का समय अधिकतम 5 घंटे होता है और न्यूनतम 4 घंटे का समय होता है। रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़कर रविवार और डाकघर छुट्टियों के दिन सभी डाकघर बंद रहते हैं, और इस दिन सड़कों पर लगे लेटर बॉक्स से डाक की निकासी भी नहीं होती है। सभी प्रमुख डाकघरों में सामान्य अनुसूची काम के घंटों के बाद विलंब शुल्क की अदायगी पर सीमित समय के लिए पत्र डालने और रजिस्ट्री बुक करने की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्री वस्तुओं पर विलंब शुल्क 3 रुपये एवं गैर रजिस्ट्री वस्तुओं पर विलंब शुल्क 2 रुपये है। यानी अगर कोई नियत समय या जिन घंटों में ऑफिस का काम होता है उनके बाद अगर कोई रजिस्टर्ड वस्तु हो तो उस पर विलंब शुल्क 3 रुपये, और जो गैर रजिस्टर्ड वस्तुएं हैं उनको भेजना चाहता है डाक से तो उन पर विलंब शुल्क 2 रुपये लगेगा। रविवार को प्रेस चटाई डाकघरों, रेल डाक सेवा RMS कार्यालय और रात्रिकालीन डाकघरों में रजिस्टर्ड समाचार पत्रों और रजिस्टर्ड अखबारी पैकेटों को बिना विलंब शुल्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई वस्तुओं को डाकघर के लेटर बॉक्स या डाक गाड़ी के लेटर बॉक्स में नहीं डालना चाहिए। डाकघरों में कुल 16 छुट्टियां मनाई जाती हैं। इनमें से 11 छुट्टियां सभी सर्कल्स में एक साथ और एक ही दिन मनाई जाती हैं, और 5 छुट्टियां एक सर्कल से दूसरे सर्कल में भिन्न होती हैं। साधारणतः काम के घंटे निम्नानुसार हैं। डाकघर एवं स्टेशनरी की बिक्री डाकघर के सभी काम के घंटे के दौरान हो सकती है, यानी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑफिस खुलता है तो उस समय डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री की जा सकती है। रजिस्ट्री एवं बीमा वस्तुओं की बुकिंग, यानी कोई वस्तु रजिस्टर्ड करानी है या बीमा
वस्तुओं को बुकिंग करानी है तो उनके लिए समय है 6 से 7 घंटे का। मनी ऑर्डर जारी करना हो, पोस्टल ऑर्डर जारी करना है, या बैंक या बचत बैंक संबंधी कोई कार्य है तो उसके लिए लगभग 5 घंटे का समय है। नाइट पोस्ट ऑफिस यानी रात्रिकालीन डाकघर क्या होते हैं और इनमें किस तरीके से काम होगा इसको जानते हैं। साधारणतः रात्रिकालीन डाकघरों के समय का निर्धारण सर्किल के प्रमुख द्वारा, जो कि डाकघर गाइड के खंड 5 में दिए गए समय के अनुसार किया जाता है। लेकिन डाक महानिदेशक किसी भी डाकघर के समय को रात्रिकालीन 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं तथा रविवार को भी पोस्ट ऑफिस खुलवा सकते हैं। ऐसे डाकघरों को रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है। इस संबंध में महानिदेशक जिन कार्यों को चिन्हित करेंगे वो सभी कार्य करने होंगे। बढ़े हुए समय में डाकघर सामान्यतः राष्ट्रीय बुकिंग, मनी ऑर्डर जारी, भारतीय पोस्टल ऑर्डर और डाक टिकट की बिक्री करेंगे। रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टी के दिन डाक वितरण, मनी ऑर्डर और बचत बैंक का कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। रविवार एवं राष्ट्रीय छुट्टी के दिन रात्रिकालीन डाकघर सिर्फ एक पारी में काम करेंगे, यानी इनका समय सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक होगा। अब देखते हैं, 14 टॉपिक है पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी। भारतीय डाकघर भारत सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत सामान्यतः डाक भार यानी पोस्टेज का भुगतान डाक टिकट जारी करके करता है। यानी अगर किसी को अपनी डाक पोस्टेज से भेजनी हो, अपनी डाक पोस्टेज से भेजनी हो तो उस पर डाक टिकट, जितना उसका वजन है उतने रुपए की डाक टिकट लगा के जारी करते हैं। भारतीय डाकघर लेखन सामग्री की कुछ मदें भी हैं, जैसे लिफाफे हैं, अंतर्देशीय पत्र कार्ड हैं, पोस्ट कार्ड आदि जारी करता है। केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजस्व मुद्रांक यानी रेवेन्यू स्टाम्प्स भी डाकघर द्वारा बेचे जाते हैं, लेकिन इन टिकटों का प्रयोग डाकघर के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है। डाक भार का भुगतान फ्रैंक मशीन द्वारा छापे गए उपयुक्त मुद्रांक के जरिए भी किया जा सकता है। टिकट संकलनकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिडेलिटी ब्यूरो की स्थापना की गई है। विदेशों के ऑर्डर भारतीय फिडेलिटी ब्यूरो बम्बई ZPO द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। फर्जी डाक टिकटों का निर्माण भारतीय डाक दंड संहिता के खंड 263 का के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यानी अगर कोई फर्जी डाक टिकट बनाता है तो भारतीय दंड संहिता के खंड 263 का के अंतर्गत वह दंडनीय अपराध है।